ये अच्छा लगा था। हाँ, वो मल्टी कलर है ना। और ये देखो कितने अच्छे फ्लावर हो गए। क्यों कूदी? उठो मेरे कॉलेज से रटू। अभी बहुत ठंडा है क्योंकि फ्रिज में रखा था, मैंने निकाला नहीं। मेरे जल्दी गर्म भी नहीं हो रहा है, फ्रिज में था ना इसके लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई सब सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं नहा भी चुकी हूँ और मैं नाश्ता भी बना ली, पापा को नाश्ता दे दी हूँ, पापा कर लिए है। आज मैंने स्वेटर पहना है क्योंकि यहाँ ठंड लगने शुरू हो गई है और परसों से तो ज़्यादा ही ठंड पड़ गई है। तो मेरे को साइनस की प्रॉब्लम भी है तो ठंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेरे को। और मैंने नाश्ता बना लिया है, जैसे कि मैंने बताया पापा को दे दिया, मैं करने जा रही हूँ। तो मैंने आज नाश्ते में क्या क्या बनाया मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये है आलू बैंगन की सब्जी, रोटी और खीर। तो मैं चल रही हूँ नाश्ता करने क्योंकि टाइम हो गया है, तो नाश्ता कर लेती हूँ। फिर मुझे आज मेहंदी लगाना है क्योंकि बाल में ना वाइट वाइट हो गया है, तो अभी मेहंदी लगाऊंगी क्योंकि ठंड भी आगे बढ़ रही है। तो अभी लगा लूँगी तो कुछ टाइम के लिए फ्री हो जाऊँगी। तो पहले मैं खाना खाती हूँ, फिर मैं लगाऊँगी मेहंदी। में मुझे भी लगाना है, मम्मी को भी लगाना है। तो चलो पहले नाश्ता करती हूँ, फिर मेहंदी घोलती हूँ, फिर लगाएंगे। तो यहाँ नीचे चूड़ी बेचने वाला आया था तो मैं गई थी चूड़ी देखने, पर मुझे इतना खास पसंद नहीं आई ये चूड़ी। आप लोग भी देखो कैसा है। देखो, ये अच्छा लगा था। हाँ, वो मल्टी कलर है ना। जयपुर का है, जयपुर में तो और सस्ता मिलता है भैया। मीठा आ जाएगा, उछड़ जाएगा। कितने का दे रहा? लटकन लटकन मामी मामी उसको मत खिलाना भाई। दिखाओ किसको? क्या उस भाई को? क्या नहीं, ये सब कैसे दे रहे हो? अब तक तो मेरी नजर नहीं पड़ी थी लेकिन बोल दिए तो अब मैं गिराऊंगी। तो मैं जा रही हूँ मेहंदी घोलने क्योंकि हम लोग लगाएंगे मेहंदी, मैंने बताया ही। तो फटाफट घोल लेती हूँ क्योंकि अभी धूप हो गया है, तो धूप में ही लगा लेंगे तो सही है क्योंकि यहाँ ठंड पड़ने लगी है। तो इसके वजह से मेरी मेहंदी खोल के हो गई है और सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ क्योंकि मम्मी नीचे है, मुझे थोड़ा ही ऐसे लगाऊंगी, मैं ज्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरे को जुकाम सा अभी ही हो रहा है। तो चलो मैं फटाफट लगा लेती हूँ। स्वेटर तो निकालना ही भूल गई। तो मेरी मेहंदी हो गई है डन और उसके बाद अभी मम्मी नीचे से आएंगे तो मैं उनको भी लगाऊंगी, उनके लिए भी मैंने रखा है बचाकर। तो मैंने लगा लिया है, अभी थोड़े टाइम बाद मैं इसको वॉश कर दूंगी क्योंकि थोड़ा धूप है तो धूप में ही लगा लिया है मैंने। और धूप खत्म होने से पहले क्या आधे एक घंटे में मैं वॉश कर दूंगी। बिग बॉस देख लेती हूँ क्योंकि मैंने नाइट में बिग बॉस नहीं देखी थी, मैं बहुत थकी थी, मैं सो गई थी। तो मैं बिग बॉस की बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ तो मैं बिग बॉस देखने जा रही हूँ। ओके गाइस, तो मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया, अब मैं जा रही हूँ लंच करने। उधर मम्मी भी लंच कर रही हैं, उनका मेहंदी लग चुका है, लंच करने के बाद वो हेयर वॉश करेंगी। तो आज लंच में है चावल और ये है निमोना और दाल। तो चलो मैं अपना लंच फिनिश करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। क्या कर रही हैं तुम्हारी मम्मी आज? सीरियल नहीं देखी? पत्ते को तोड़ा तोड़ा था, पत्ते को सीरियल देख के तो गई, फिर लाइट कर गई। फिर मम्मी आवाज नहीं दी।
छत पे आई हूँ और मेरे यहाँ ये छत का प्लांट है, ये देखो इतना सारा। और ये देखो कितने अच्छे फ्लावर उगे हैं गेंदे का, ये देखो कितना प्यारा प्यारा है ना। तो हम लोग छत पे आए ना नकुल, आओ दोनों लोग। ओ हम लोग टेरिस पे आए हैं धूप लेने, है ना, ठंड लग रही है ना दोनों को। हाँ। तो हम लोग टेरिस पे आए हैं धूप लेने, और क्योंकि अब यहाँ ठंड बढ़ चुकी है जैसे कि मैंने बताया, तो इसलिए हम लोग अब रोज थोड़ी देर आया करेंगे ना टेरिस पे। हाँ। मेरा हाथ नहीं दिख रहा। क्यों? हाथ दिखाई दे रहा है कि नहीं? कहाँ तोता तो दिखाई दे रहा है, अब तो ही दिखाई दे रहा है। हाँ क्योंकि अब तुम्हारा ही आ रहा है ना, ही देखो पतंग उड़ रहा है ऊपर, वो देखो। वाह टेरिस पे आके कितना अच्छा लग रहा है, नहीं तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, है ना ना कुणाल। किसकी मूर्ति अच्छी है? दोनों ही कान्हा बने हो, दोनों की मूर्ति अच्छी है। तो ये लोग खेल रहे हैं और मैं थोड़े टाइम यहाँ बैठ के एंजॉय करती हूँ, धूप लेती हूँ, क्योंकि बॉडी के लिए धूप बहुत जरूरी है, धूप से हमें विटामिन डी मिलती है। तो अभी मम्मी और भाभी नहीं आई हैं, वो लोग भी आएंगी, तो तब तक मैं इन लोग के साथ एंजॉय करती हूँ जब तक मम्मी और भाभी नहीं आती हैं। टेरिस पे भाभी और दोनों हो गए हैं और इधर मम्मी भी आ गई है। ऐसे लेटा रख लो मेरे पैरों पे, नहीं तो इधर मम्मी लेटी हैं, इधर ये लोग मस्ती कर रहे हैं। हाँ। अगर मम्मी दरवाजा बंद करके नहीं आए होती तो तुम क्या करते, बोलो। मम्मी को बंद करवाता। कहाँ भेज के? नीते। नीते? हाँ। नीते भेज के मम्मी से बंद करवाते, मम्मी बोलती मैं नहीं जाऊंगी तब? तो मम्मी को सोच समझ के बोलना, वीडियो गोलू मामा भी देखेंगे, ठीक है? बोलो। अब बोलो मम्मी को क्या? फिर से भेजता। इतना क्यों सोच रहे हो गोलू मामा नाम लेने पे, बोलो। बताओ। क्या करते? हम्म, तो तुम जाते बंद करके आते ना? हम्म, मम्मी को खुद भेजता। हम दोनों बंद करके आते भाई के साथ खुद बंद करके आते। तुम जाते जी? मैं नहीं जाता। ये बोल रहा मैं जाता ही नहीं तब? तो मैं अकेले चला जाता। तुम मैं आते उसे से खुजवा रहे हो, मुंह में डालो पेट में भी हो जाएगा। फिर अकेले चले जाते ना? इसको बिल्ली आ जाएगी तो? तुम कहाँ बिल्ली से डरते हो? बिल्ली से तो बड़ा वाला डरता है ना। तो किसको भेजते? खुला ही रहता, कोई नहीं जाता ना? खुला रहता, कोई भी नहीं जाता। आना लगाना है, ये बताओ। देते दियो। हाँ? देते दियो बाल गाना। कौन सा? बाल सॉन्ग, बाल टॉन्ग। बाल टॉन्ग? तीते मैं बाल टॉन्ग लगाती हूँ, तुम लोग बाल दांत करो, ठीक है? अच्छा। तो ये हमने फटा हुआ, किसी का पतंग कटा हुआ था, वो हमने निकाल के मिल गया है हमको। दो 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 मामी। कैसे उसको लग रहा है मैं ले लूंगी, कह रहा है दो 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 मामी। मम्मी अब नहीं दूंगी। चलो उड़ाएंगे कि फाड़ देंगे सब। तो ये मैंने पतंग पाया था, किसी का कटा हुआ था, उस टेरिस पे गिर गया था, कैसे कैसे निकाला मैंने। और ये दोनों देखो पतंग उड़ा रहे हैं। हाँ चलो चलो लेके चलती हूँ, फिर ले लेना सीढ़ी पे। और इसको पले? नहीं उसको रहने दो। अरे नीचे, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा धूप है,
थोड़ा धूप हमने ले लिया है, अब हम जा रहे हैं नीचे और हमें मिला है ये पतंग। चलो चलो नीचे दूंगी चलो। हाँ फिर रख देना, फिर कल वो करना, आराम से नीचे देख के उतरो। पॉटी कट दिया है, चलो संभल के चलो। ये क्या है? बिल्ली पॉटी कर दी है। वो उसको पॉटी बोलते हैं? मम्मी ये आप अपने कमरे में रख लो। नहीं नीचे तुम ले जाके रख देना, जब तुम्हारा मन होगा तब अपना उड़ाना, चाहे अभी उड़ाना चाहे बाद में। तो मैं टेरेस से नीचे आ गई हूँ और मैंने थोड़ा टाइम रेस्ट किया और अब मैं जा रही हूँ फ्रूट खाने। फ्रूट में मैंने लिया है एक अमरूद लिया है मैंने फ्रूट में, और संतरे लिए हैं, तो मैं इसको खाने जा रही हूँ। तो चलो फटाफट पहले मैं थोड़ा फ्रूट खा लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी भूख सी भी लग रही थी। मम्मी नीचे गई हैं अपने फ्रेंड के यहाँ। देखो रेटू कैसा टीवी देख रहा है, उसको टीवी देखने का बहुत ज़्यादा, और भक्ति कुछ आता ना तब तो वो पक्का देखता है, उसको रामायण वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर से मस्ती हाँ? फिर से मस्ती, फिर तो भागी भागी कर रही है, गंदी लड़की हो गई है। क्यों गुस्सा कर रही है? वो कैसे लड़के हैं ये, नीचे जाना है। जाओ मेरे कालीन पर से। इस तरह पर से कूदा था और इस तरह पर कालीन पर कूदा था, लेट जाता कालीन पर से उठते नहीं। नहीं यार तुम ड्राई फ्रेश प्लस इसकी चॉकलेटी गुडनेस। डिनर टाइम मैंने सब्जी पहले ही बना लिया था और फिर मैंने बनाया है आज अमरूद की चटनी और कुछ मलाई रखी थी फ्रिज में, तो फ्रिज मलाई भी मैंने निकाल लिया है ताकि थोड़ा थोड़ा सबको दे दूंगी, चीनी डाल के हल्का तो अच्छा लगेगा। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, रोटी अभी बनाना है, मैं बना के पापा को दूंगी, तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या बनाई हूँ। तो ये देखो मैंने आलू बोड़ा की सब्जी बनाई है और उसके बाद आटा यहाँ पे गूंथ के रखा है, अभी मैं रोटी बनाऊंगी। और ये देखो ये अमरूद की चटनी बनाई हूँ और ये कुछ मलाई है जो मैं रखी थी, थोड़ा थोड़ा दूंगी सबको। तो चलो मैं रोटी बना लेती हूँ पहले फटाक से ताकि पापा को दे दूँ खाना। तो ऐसा लगता है कि जल्दी से खा के जल्दी से बिस्तर में घुस जाए ताकि ठंडी नहीं लगे, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है। और मैंने कब नाइट ड्रेस चेंज कर लिया तो मैंने वो भी नहीं पहना, स्वेटर भी। मैं सोची क्या पहनूं क्योंकि अभी तो निकालना ही पड़ेगा सोने के टाइम पे, तो इसलिए नहीं पहना। अब मैं बकवास करती हूँ बंद, पहले रोटी सेकती हूँ फटाफट। आटा भी बहुत ठंडा है क्योंकि फ्रिज में रखा था ना मैंने, निकाला नहीं मैंने। ठंडी में ना ठंड की चीजें आतंकवादी के हमले से कम नहीं लगती, कितनी तेज ठंडा है। पहले पापा को खाना देती हूँ निकाल के फटाक से। देखो किस किस को पसंद है अमरूद की चटनी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे घर में सबको पसंद है, तो मैं बना अमरूद था तो मैंने बना दिया इसका। पापा का खाना निकल चुका है, मैं जा रही थी नहीं, इधर सब्जी, इधर चटनी, इधर मैं मलाई वाला दूध और रोटी, तो मैं जाती हूँ देख आती हूँ। ओके मेरे रेडू के लिए चावल है नहीं, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा उसके लिए डाल देती हूँ, नहीं तो वो भूखा रह जाएगा रात भर, तो मैं थोड़ा सा चावल डाल देती हूँ। डिनर कर रही है, मैं भी अपना खाना उधर रखी हूँ। कैसा बना है? ठीक है, आज मैंने अमरूद की चटनी बनाई है, वो कैसा लगा? बहुत मस्त। मैं डिनर करती हूँ और ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ओके बाय बाय, गुड नाइट, खुद हैप्पी रहे और अपने अगल बगल वालों को हैप्पी रखें। बाय बाय।